सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह जिले के तेलोडी में अल्लाहाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बेरमू की टीम ने जीएमएफ सी बरवाडी को एक गोल से पराजित कर विनर बन गया और प्रथम पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपये नकद व ट्रॉफी उन्हें दिया गया, जबकि रनर टीम रही बरवाडी को द्वितीय पुरस्कार 35,000 नकद व ट्रॉफी दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रियाज अहमद डीएसपी, तौकीर आलम सलूजा गोल्ड के डायरेक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, तेलोडी मुखिया रिजवाना खातून मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक इंडियन क्लब तेलोडी सह प्रायोज सलूजा गोल्ड थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सरपरस हदीस अंसारी, संरक्षक रसीद आलम, अध्यक्ष शमसाद अंसारी, सचिव जावेद अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गिरिडीह से नवाज राजा की रिपोर्ट। मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, कमेटी के मेंबर जिन्होंने डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल टूर्नामेंट का बहुत ही सफल आगाज किया और आज का अंजाम भी बहुत ही बेहतरीन हुआ। खेल जीतने वाले और हारने वाले के बीच का जो मुजाहरा देखा हम लोगों ने वो वाकई बहुत ही दिलचस्प था और जीतने वाली टीम मुबारक, और जो टीम नहीं जीत पाई उसे भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हार और जीत खेल का हिस्सा होता है। कभी कोई टीम हारती है, कभी कोई टीम जीतती है, तो खेल का एक जो स्पिरिट है वो हमने पूरे मैदान में देखा। पूरे मैदान का मेरा मतलब ये है कि बहुत दूर दूर से लोग आकर जिस तरह से इस मैच को कामयाब करने में और अपने हौसले से जिस तरह से टूर्नामेंट को कामयाब किया, ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा सालों में भी, अगले साल भी और उसके बाद आने वाले सालों में यहाँ पे इसी तरह से बेहतरीन खेल का मुजाहरा हो और तेलोडी के आवाम जितना जोश और जितने जज्बे से इस खेल में हिस्सा लेते हैं, जो उनका ताउन होता है, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उनके लिए मैं बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत खुशी का दिन है, इतनी भीड़ में बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग इस टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये खिलाड़ी इतने उत्साह के साथ में यहाँ पर खेले हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट जो है इंडियन क्लब तेलोडी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इनके अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद अंसारी, सचिव मोहम्मद जावेद अंसारी, ये हमारे लिए जितनी इस टूर्नामेंट के अंदर में वो मेहनत करते हैं, जितने वो लगन से इसके अंदर में काम करते हैं, ये निस्वार्थ जो काम करते हैं इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। ये खेल के अंदर में और यहाँ पर मंच पे मौजूद हमारे विधायक जी डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, डॉक्टर साहब जो हमारे सर डॉक्टर आई अहमद साहब के बड़े बेटे हैं ये, और बाकी के जो यहाँ मुखिया जी हैं, हमारे डीएसपी साहब और भी जितने गणमान्य व्यक्ति इस मंच में मौजूद हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरिष्ठान के संचालक इमरान बाबू, अमरजीत भाई, डीएसपी साहब डॉक्टर जी, इस इलाके की मोहतरमा मुखिया जी डॉक्टर व्यास साहब, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश जी, हमारे पत्रकार भाइयों, नौजवान साथियों,
और हमारे दोनों टीम के कप्तान साहब और उनके सहयोगी खिलाड़ियों, मजा आया खेल में, खेल में मजा आया। असल बात यही है, जीत हार तो होता ही है, कोई हारेगा तभी ना कोई कोई जीतेगा, और इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेना चाहिए। जीतने वाले बहुत ज्यादा खुशी ना मनाए क्योंकि हो सकता है अगले बार वो है, लेकिन हाँ जो श्रोता है जो देखने वाले हैं उनको मजा आना चाहिए, और यहाँ से जाने के बाद वो कहे कि नहीं वो इतना नंबर खिलाड़ी था, बहुत बढ़िया खेला, असल बात वही है। लोग अपने हैं, कोई दिक्कत होती है तो कोई ना कोई आ ही जाता है, खड़ा होता है, लोग हैं, और आप लोग इसको चलाते रहिए, निश्चित रूप से ये भी करना होगा, हम लोग निश्चित रूप से करेंगे इसको, मान लो। मैं भी पड़ा हुआ कि हम लोग एक साल तो कोरोना जो है बर्बाद कर दिया, और ना केवल हिंदुस्तान का किया, झारखंड का किया, बल्कि पूरा दुनिया पीछे चला गया है कि नहीं, हिस्ट्री। कभी कम चलता रहता है, ये जिंदगी है,